तो नमस्कार, स्वागत है आपका। लालू प्रसाद यादव के लिए खबर अच्छी आ रही थी, लेकिन जैसे ये खबर पूरी समझ में आई, ऐसा लगा कि यार इसको कैसे बताया जाए, इसको ये बताया जाए कि लालू प्रसाद यादव के लिए खबर अच्छी है लेकिन रिहाई तो अभी होगी नहीं, तो कैसे कह दिया जाए कि लालू प्रसाद यादव या उनके चाहने वालों के लिए खबर अच्छी है, क्योंकि इस वक्त पे भी वो रिम्स में भर्ती है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो अस्पताल होता है उसमें वो भर्ती है। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि ये जो मामला है चाईबासा केस में, लालू प्रसाद यादव को जैसे ही जमानत मिली, ऐसा लगा क्या लालू प्रसाद यादव अहम टाइम के लिए, अहम टाइम इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार का चुनाव, और बिहार के चुनाव में अगर राजद अध्यक्ष बाहर होंगे तो ऐसे में क्या चीज़ें पलट सकती हैं, क्या समीकरण बदल सकते हैं, और समीकरण बदलने का दम तो लालू प्रसाद यादव में है। आज भी अगर आप कहें तो विदाउट अ डाउट लालू प्रसाद यादव बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चेहरों में से एक है, और बिहार ही क्यों, जब आप देश की राजनीति में बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव एक ऐसा चेहरा है जिसको लोग पहचानते हैं, जिसको लोग जानते हैं। वो कारण कई सारे हो सकते हैं कि आप कैसे लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, पहचानते हैं, आपके मन में उनकी छवि कैसी है, आप उनको किस तरह से याद रखना चाहते हैं, या आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक सवाल कि आप लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, जवाब हाँ ही होगा। और ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव की जमानत की खबर सामने निकल कर आई कि भाई इस पूरे के पूरे मामले पे उन्हें जमानत मिल गई है, क्योंकि वो आधी सज़ा काट चुके हैं, और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने आधी सज़ा जो है इस पूरे के पूरे मामले पे काट ली, अब हमें जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन CBI ने इसके अगेंस्ट जो है वो प्ली डाली थी, उन्होंने ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव 4 अलग अलग मामलों पर सज़ा काट रहे हैं, और दुमका वाला जो केस है उसने लालू प्रसाद यादव की जो जमानत है उस पर अड़ंगा डाल दिया, क्योंकि CBI का कहना है कि जब तक आप चारों मामलों में अलग अलग, इन चारों अलग अलग मामलों में जब तक आपकी सजा आधी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको जमानत नहीं मिलेगी। तो ये अपने आप में, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हम इस पूरे के पूरे मसले को आपको किस तरह से बताएं। चाईबासा वाले केस में जमानत की खबर देकर आपको खुशी देकर फिर बाद में ये कह दें कि नहीं, जमानत इसीलिए नहीं मिलेगी क्योंकि दुमका वाले मामले पर अभी जो है वो सज़ा आधी उन्होंने पूरी नहीं की है। इस वजह से इस पूरी खबर को ध्यान से थोड़ा सा समझिए, क्योंकि लग यही रहा था शुरुआत में जैसे ही चाईबासा मामले में उन्हें जमानत मिली कि अब लालू प्रसाद यादव जो है वो रिम्स से निकलकर घर पहुंच जाएंगे, और क्या पता वो ये जो चुनावी प्रचार प्रसार है इस पर भी हिस्सा लें, और ख़ास तौर पर ऐन वक्त पे उनकी एंट्री होती तो क्या पता बिहार में जो समीकरण है राजद को लेकर वो बदल जाते, और इसका असर जो है सामने वाले पर भी पड़ता, जिसमें जो गठबंधन है पूरा का पूरा NDA और JDU का, उस पर भी क्या पता इसका असर पड़ता, और जिस तरह से अब LJP एक अलग स्थिति में खड़ी है उसकी भी तस्वीर सामने निकल कर आती। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो यही है कि अभी रिहाई नहीं होगी। एक मामले पर जमानत तो मिल गई है लेकिन रिहाई अभी जमानत की वजह से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दुमका वाले मामले पर अभी आधी सज़ा पूरी नहीं की है। टेक ये है कि जो 4 अलग अलग सज़ा आप काट रहे हैं उन चारों सज़ाओं को जब तक आप आधा पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक आपको किसी भी तरह की जमानत नहीं दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।